बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों में से एक गोविंदा को लेकर अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक से उनके रिश्ते एक लंबे समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। भले ही गोविंदा ने इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की हो, लेकिन इन सबके बावजूद मामा भांजे का ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी बीच अब गोविंदा की पत्नी ने आग में घी डालने का काम किया है। अब गोविंदा की पत्नी ने भांजे को लेकर ऐसी बात कह दी है जो शायद कृष्णा को बुरी लग सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने ऐसा क्या कह दिया जो शायद गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक को बुरा लग सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक की फैमिली के बीच में एक लंबे समय से अनबन चल रहा है। वो लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जब गोविंदा दी कपिल शर्मा शो में आते हैं तो उस एपिसोड में कृष्णा अभिषेक नहीं नजर आते हैं। यह नाराजगी धीरे धीरे बढ़ते ही नजर आ रही है। लेकिन सबके बावजूद अब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने इस मसले पर अपनी बात रखी है। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने बातचीत करते हुए कहा कि मैं जानना चाहती हूं कि कपिल शर्मा शो के जिस एपिसोड में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, कृष्णा अभिषेक ने उस एपिसोड का हिस्सा बनने से इनकार क्यों किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां स्टेज शेयर नहीं करना चाहती। पिछले साल नवंबर में गोविंदा ने एक बयान जारी कर अपना रुख साफ किया था और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फैमिली इश्यूज पर कभी चर्चा ना करने की कसम खाई थी। एक जेंटलमैन की तरह उन्होंने वादा निभाया, हम दूरी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां मुझे इस मुद्दे पर बातचीत करने की जरूरत है। आगे इस इंटरव्यू में सुनीता आहूजा कहती हैं कि हम जब भी शो में आते हैं तो मीडिया में सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हमारे बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। क्या फायदा ये सब बोलकर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसका कोई मतलब नहीं है। गोविंदा भले ही इस पर कुछ ना बोले, लेकिन ये मुझे परेशान कर रहा है। इसके बगैर भी तो हमारा शो हिट होता ही है और ये वाला भी होगा। हालांकि इसी इंटरव्यू के दौरान आगे सुनीता आहूजा ये भी कहती हैं कि 3 साल पहले कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने एक ट्वीट कर उन लोगों के बारे में लिखा था जो लोग पैसों के लिए डांस करते हैं। सुनीता इस पोस्ट से काफी नाराज भी हुई थी। उन्हें लगता है कि कश्मीरा ने ये उनके पति गोविंदा के लिए लिखा था। अब सुनीता कहती हैं कि हमारे बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पिछले 3 सालों में दोनों परिवार के बीच दरार और बढ़ गई है। आगे सुनीता ने यह भी कहा कि वो कभी नहीं होगा। 3 साल पहले हमने कहा था कि चीजें कभी नहीं ठीक होंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ आप फैमिली के नाम पर अपमान और गलत व्यवहार नहीं कर सकते। हमने पाल पोस कर बड़ा किया तो सर पर चढ़ाएंगे और बदतमीजी करेंगे। हमने उन्हें पाला है। मेरी सास के निधन के बाद अगर हमने कृष्णा को घर छोड़ने के लिए कहा होता तो क्या होता। जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हीं के साथ बदतमीजी पर उतर गए हैं। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि इश्यूज कभी सॉल्व नहीं होंगे और मैं अपनी जिंदगी में उनका चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहती। तो दोस्तों ये था वो इंटरव्यू जहां पर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भांजे को लेकर ऐसी बातें कही हैं। इस इंटरव्यू के मुताबिक सुनीता बहुत ज्यादा नाराज भी नजर आ रही हैं और उन्होंने कृष्णा के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। सुनीता का साफ तौर पर कहना है कि हमने कृष्णा को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन बड़ा होकर अब वो अपने ही मामा के साथ बदतमीजी पर उतर आया है। इतने नहीं, इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि गोविंदा ने कई साल पहले ही फैमिली इश्यूज को पब्लिसिटी ना देने की बात कही थी और उन्होंने इस मसले को खत्म करने का फैसला भी किया था, लेकिन धीरे धीरे फैमिली इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है कि कृष्णा भी इस बात का जवाब दे, क्योंकि गोविंदा की तरफ से कोई बात कही जाती है तो कृष्णा की फैमिली भी इस बात का भरपूर जवाब देती है। ऐसे में दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है और मामा भांजे में चल रही इस लड़ाई को लेकर आपने क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।